हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 27 देखेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपलीफाई है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 7 raised to 4 मल्टीप्लाई 7 raised to 2। अभी यहाँ पर देखिए जो बेस रहता है हमारा, वो बेस हम वैसे की वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। 7 बेस जो है वो सेम है, वो तो बेस हम वैसे की वैसे लिखेंगे, लेकिन ऊपर का जो इंडेक्स रहता है, इंडेक्स क्या है, यहाँ पर पहला 4 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों इंडेक्स के हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, 7 यहाँ पर 7 raised to 4 plus 2, यहाँ पर 7 बेस वैसे के वैसे रहेगा और इसका एडिशन हुआ 4 plus 2 6। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे, 7 raised to 6, ये हमारा आंसर रहा। सेकंड है -11 raised to 5 मल्टीप्लाई -11 raised to 2। देखिए यहाँ पर इन एग्जाम्पल में ये जो बेस है वो सभी जगह पर सेम है। यहाँ पर 7 7 है, यहाँ पर 11 11 है, बेस सेम है, इसलिए हम ऊपर के जो नंबर है, मतलब ऊपर के जो इंडेक्स है हमारे, उनकी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए -11 ये हमारा बेस है, तो यहाँ पर -11 लिख लेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो बेस क्या है उसका, सॉरी इंडेक्स क्या है उसका, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 plus 2 हम क्या यहाँ पर करेंगे, 5 plus 2 इज इक्वल टू -11 raised to 7। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है थर्ड नंबर का, देखिए इसमें भी बेस क्या है, सेम है, 6 upon 7 है, यहाँ पर 6 upon 7 है, 6 upon 7 raised to 3 मल्टीप्लाई 6 upon 7 raised to 5। यहाँ पर बेस सेम है, तो बेस हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 6 upon 7 और इसका इंडेक्स यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, 3 plus 5 हम इसके एडिशन करेंगे, हमारा आंसर आता है 6 upon 7 raised to 8। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए -3 upon 2 raised to 5 मल्टीप्लाई -3 upon 2 raised to 3। इसमें भी बेस क्या है, सेम बेस है, तो बेस हम यहाँ पर एक बार लिख लेंगे -3 upon 2 और इसको ब्रैकेट करेंगे और उसके इंडेक्स क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 plus 3 होते हैं 8। तो हमारा आंसर आया -3 upon 2, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर -3 upon 2 raised to 8। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, a raised to 16 है मल्टीप्लाई a raised to 7 है, बेस क्या है, a है, दोनों सेम है, तो बेस हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे इज इक्वल टू a और उसका इंडेक्स है यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 7 है, तो 16 plus 7 हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू a raised to 23। 16 plus 7 हुए 23, तो हमारा आंसर आता है a raised to 23। और लास्ट जो है वो है देखिए p upon 5 raised to 3 मल्टीप्लाई p upon 5 raised to 7, तो हम नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू p upon 5 raised to 3 plus 7 और p upon 5 raised to 10, 3 plus 7 होते हैं 10। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 27 जो है वो सॉल्व किया है। तो बच्चों कैसे लगा आप लोगों को वीडियो, मुझे समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं जिसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 28 में, तब तक के लिए बाय बाय।